मैं आनंद कुमार आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे चैप्टर टू का। चैप्टर टू इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ लोग शब्दार्थ इस पे लिख देते हैं, इसको याद करना है और फेयर में भी लिख लेना है। अशांति माने हंसते हैं, हस्ती है बालिका, बालिका माने लड़कियां, बालिका माने लड़कियां, गा यंती माने गाते हैं, गाती है, आजा आजा माने बकरिया, आजा माने बकरिया, का माने कौन, ये स्त्री शब्द के लिए हो गया। और ये खादंती माने खाते हैं, खाती है, च माने और, तीन माने जोतते हैं, जोतते हैं, जोतती है, ते माने वे, के माने कौन, के माने कौन, क्रीडंती, क्रीडंती माने खेलती है, बालका माने लड़के, ये नृत्यंती, नृत्यंती माने नाचते, नाचती है, ता माने वे, स्त्री शब्द के लिए हुआ। फिर एता, ये स्त्री शब्द के लिए हुआ। खेलंती माने खेलते, खेलती है, किम माने क्या, किम माने क्या, कृषक माने किसान, छात्रा माने छात्र, इति इति माने ए, ये पुरुष जाति। ठीक है, अब आइए चैप्टर आप लोग को पढ़ाते हैं। देखिए चैप्टर आप लोग का शुरू होता चैप्टर है द्वितीय पाठ, यानी दूसरा पाठ हुआ। इति माने वे, इति माने ए पुरुष जाति के लिए हुआ, ता माने वे, ये ता माने ए स्त्री शब्द के लिए, ता माने वे, ये भी स्त्री जाति के लिए हुआ। और ये सर्वनाम तत् प्रयोग या संज्ञा शब्द, प्रयोग आक्रांत पुरुष, आक्रांत स्त्री शब्द, बहुवचन क्रिया पद, लट प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। अब आइए पढ़ाते हैं। एते के, ये कौन है, एते छात्रा, ये छात्र है, छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्र क्या करते हैं, तो ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं। एते के, ये कौन है, एते कृषका, ये किसान है, इसका किम करवंती, किसान क्या करते हैं, तो ते करंती, वे जोतते हैं, यानी खेत को, वे खेत को जोतते हैं। है किम रमेशा सुरेशा महेशा च खेलंती, क्या रमेश सुरेश महेश खेलते हैं, नहीं रमेशा सुरेशा महेशा च न खेलंती, नहीं रमेश सुरेश
नहीं खेलते हैं, ते खादंती वे खाते हैं। एता का ए कौन है? एता अध्यापिका, ए शिक्षिका है। अध्यापिका किम कुर्वन्ति, शिक्षिका क्या करती है? तो ता पाठंती, वे पढ़ाती है। एता का ए कौन है? तो एता अजा, ए बकरिया है। अजा किम कुर्वन्ति, बकरिया क्या करती है? तो ता पीवन्ति, वे पीती है यानी पानी को पीती है। किम श्यामा कृष्णा सौम्या च नृत्यते, क्या श्याम कृष्ण सौम्या नाचती है? नहीं, श्यामा कृष्णा सौम्या च नृत्यते, नहीं श्याम कृष्ण सौम्या नहीं नाचती है। ता गायन्ति, वे गाती है। एते बालिका किम कुर्वन्ति, ये लड़के क्या करते हैं? तो बालिका गायन्ति नृत्यन्ति च, लड़के गाते हैं नाचते हैं। ते गायन्ति नृत्यन्ति च, वे गाते हैं नाचते हैं। एता बालिका किम कुर्वन्ति, ये लड़कियां क्या करती है? तो बालिका खादन्ति पीवन्ति च, लड़कियां खाती है पीती भी है। ता खादन्ति पीवन्ति च, वे खाती है पीती भी है। च माने और हुआ। एते बालिका क्रीडन्ति, ये लड़के खेलते हैं। एता बालिका सन्ति, ये लड़कियां हंसती है। ते क्रीडन्ति ता हसन्ति, ते क्रीडन्ति ता हसन्ति, वे खेलते हैं। अत्ता माने वे हंसती है। आ गया। अब आइए कुछ क्वेश्चन आंसर में बता देते हैं। भरिए, छात्रा पठंती में ते पठंती भरा हुआ है, इसमें बालिका गायंती, इसमें भरिएगा ते गायंती। बालिका हसंती में ता हसंती हो जाएगा। अध्यापिका पाठयंती माने एता पाठयंती हो जाएगा। बालिका खादंती माने एता खादंती हो जाएगा। किसका कसंती माने एते कसंती हो जाएगा। अच्छा, छात्रा भी इसमें पाठयंती भरिएगा। यहाँ पाठंती, बालिका, बालिका माने नित्यंती हो जाएगा। आजा माने पी में इसमें पी बंती भरिएगा। अध्यापिका में पाठयंती भरिएगा। कृषिका, हमें कृषिका मानिए किस भरिएगा, इसमें आप भरिए। बालिका किम कुर्वन्ति, तो बालिका खादन्ति पीबन्ति च, छात्रा किम कुर्वन्ति ते पठन्ति, आजा किम कुर्वन्ति ता पीबन्ति, अध्यापिका किम कुर्वन्ति तो ता पाठयन्ति, कृषिका किम कुर्वन्ति ते पठन्ति। मैंने इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग फेयर कीजिएगा, कॉपी करके पूरा ओके फेयर कर लीजिएगा इस बात को। अब अगला चैप्टर कल आप लोग को चैप्टर 3 पढ़ाया जाएगा। वो तो चैप्टर 2 का था, ये तो कुछ ये सर्वनाम शब्द रूप है, इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा, फेयर में भी लिख लीजिएगा। ये तत्व पुली, तत्व मान वह होता है, पुलिंग शब्द के लिए होता है, याद कीजिएगा। विभक्ति लिखा हुआ है, एकवचन द्विवचन बहुवचन, इसको याद करना है कैसे? तो सतौ ते, द्वितीय शब्द में तम तौ तान, तृतीय में तेन ता भयाम तयह, चतुर्थी में तस्मय ता भयाम ते भय, पांचवी में तस्मात ता भयाम ते भय, षष्ठी में है तस्य तयो तेषाम, सप्ती बने तस्मिन तयो तेसु। ये आप याद करके लीजिएगा, फिर में लिख दीजिएगा, क्योंकि शब्द रूप याद करना है। उसके बाद जैसे इदम शब्द है, इसी तरह इदम शब्द है, किम शब्द है, इदम मने यह होता है, किम मने क्या है, ये सब याद आप लोगों को, आप लोग के पास बुक हो ही भी करेगा तब बुक से याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अयम इदम मने यह हुआ, तो इसे याद कीजिएगा। अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन आ भयाम ए भी, अस्मे आ भयाम आ ए भय, अस्मात् आ भयाम ए भय, अस्य अनयो एसाम, अस्मिन अनयो एसु। तो याद आप लोग कीजिएगा। थैंक यू। उसी तरह ये भी है, किम का है कह कौ के, कम कौ कान, केन का भयाम कय, कस मय का भयाम के भय,
कस्मात् का भयान के भय कस्य कयो के साम कस्मिन कयो केशो। इस तरह के आप लोग तत् इदम किम ये सब शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा, तो फिर में भी लिखने का काम कीजिएगा, आप लोग को अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।